जी थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी टाइम पहले भी लिया, और ये वाला जो हमारा पार्ट है वीडियो का, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना पता था, तो क्योंकि इसमें भी वही लोगों को प्रॉब्लम्स और चीज़ें, और बींग अ डॉक्टर, DBM डॉक्टर और एज अ लवबर्ड रीडर भी, आपसे बेहतर बंदा हमें कहीं मिलता नहीं, तो आप बहुत टाइम दे रहे हैं इसलिए। और वो पोलियोमा वायरस जिसका लोगों को पता ही नहीं है, और इतना डैमेजिंग और डिवास्टेटिंग है ये कि पूरे के पूरे डॉक्टर साहब शेड्स में से जो लोगों की ब्रीड थी वो गई। तो आई रियली वॉन्ट कि आप इन दो टॉपिक्स को बड़े प्रिसाइसली भी बताएं और इनके सॉल्यूशंस दें हमें कि ये दो जो ये बीमारियाँ हैं इनका नए फैंसियर ने क्या करना है, क्योंकि उन लोगों के फ़ोन आते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें सिर्फ नया फैंसियर नहीं है डॉक्टर साहब, एक्सपीरियंस पुराने ब्रीडर्स के साथ भी ये काम है। जी बिल्कुल, ये पिछले कहने के 2 से 3 साल से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इससे पहले आप जाएं रहीम भाई पीछे, कोई आज से 4-5 साल पहले हम बर्ड ब्रीड करवाते थे, तब कभी भी ये मसला नहीं हुआ। बिल्कुल, तो मैं ये देखता हूँ कि वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं तो उनका ट्रीटमेंट तो है नहीं है कोई। ये आए कहाँ से, मसला ये है हमारे पास आते हैं। मैंने ये देखा है कि आपके पास जो इम्पोर्ट है ना बर्ड्स की, वो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे लोकल स्ट्रेंस थे यहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है, और कुछ ऐसे वायरसेस थे जो बाहर से स्ट्रेन उनके आए, तो उसमें ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक शिफ्ट की वजह से उस वायरस के अंदर म्यूटेशन आते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि इनकी वैक्सीन तो कामयाब नहीं है यहाँ पे। ये ऐसे ही है जी, जैसे बर्ड्स की म्यूटेशन हैं तो वायरसेस में भी ये म्यूटेट होता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, जस्ट लाइक कोविड। देखिए आप, कोविड की हर कंट्री की अपनी वैक्सीन है, ठीक है, वहाँ के स्ट्रेन के मुताबिक। तो अब हमारे यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन है और जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है थ्रू इम्पोर्ट ऑफ बर्ड्स, अब जो बर्ड बाहर से आ रहा है हमें तो नहीं पता कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा, पहले मसले नहीं थे इतने ज़्यादा, जो ही हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ गए हैं, इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ गए हैं, जस्ट लाइक पोल्ट्री, आप पोल्ट्री में चले जाएँ तो पहले इतने मसले नहीं हुआ करते थे, जो ही हमने बर्ड्स की ब्रीडिंग ज़्यादा स्टार्ट करवानी शुरू की तो ये मसले शुरू। लेकिन डॉक्टर, बर्ड इम्पोर्ट पहले भी हुआ करता था, इस तरह की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, अब क्या वजह है कि जो बर्ड आता है वो इम्पोर्ट का कुछ स्पेसिफिक रीजन का है, या उसके अंदर क्वारंटाइन का ख्याल ही रखा जाता, क्या वजह है कि उससे बहुत ज़्यादा लोग? देखें, ये 100% कन्फर्म बात है कि जो बर्ड बाहर से आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कैरी कर रहा है, ठीक है। एक देखिए, एक बर्ड का अपना नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है, उसके अलावा कुछ पैथोजन्स बर्ड कैरी करता है, वो आपको नहीं पता, बाज़ाहिर बर्ड आपको देखने में वो ठीक लगता है, लेकिन हम वो बर्ड को मुसलसल लेके आ रहे हैं। देखिए, पहले इतने मसले नहीं थे तो अब मसले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, अब आते हैं सबसे ज़्यादा इशू, और जो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, और बड़ी चंद लोगों ने मतलब उतनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी एक वो बिज़नेस परस्पेक्टिव से भी लोग कर रहे हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो नए लोग जिन्होंने वो बर्ड इम्पोर्टेड ख़रीदे जिनके कोई वो उसमें नहीं था और उनको क्वारंटाइन का भी नहीं पता था, उनके पास जब ये इशूज़ आए तो उनकी जो एवरी अपनी जो उन्होंने बिल्ड की हुई थी, जो बर्ड्स खरीदे थे बड़े महंगे, उनमें भी आए डेफिनेटली, ये तो नहीं कि वो स्प्रेड आउट होता है। तो कई लोग, मुझे बड़ा हुआ कि उन्होंने बेचारों ने क्विट किया। दो चीज़ें, इन दोनों को मैं डिस्कस करूँगा, लोगों को नहीं पता अभी तक, हमारे लोग कन्फ्यूज हैं कि पोलियोमा और PBFT क्या है। PBFT का तो लोगों को पता ही नहीं है। APV जो है, APV और PBFT, APV स्टैंड फॉर एवियन पोलियोमा वायरस, ओके, और PBFT सिटासिन बी कैन फीदर डिजीज वायरस, ठीक है। ये दोनों जो हैं वायरल इन्फेक्शन हैं, पोलियोमा का वायरस है पोलियोमा और उसका वायरस है सिरको वायरस, ओके, बोथ वायरसेस आर DNA वायरस। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बर्ड है उसमें सारे साइंस को शो करे, हम लोग हर साइन को देख रहे होते हैं कि कहीं पे हम देखते हैं हैमरेज हमें मिल रहे हैं, कहीं पे हैमरेज हमें नहीं मिलते, लेकिन बर्ड में पोलियोमा होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और लोगों को नहीं पता है इस चीज़ का। मैंने बहुत सारे लोगों की इस साल जो है ब्रीड ज़ाया होती देखी, और बड़ा दुख होता है यार, आपने इतनी मेहनत से बर्ड रखा, ब्रीड करवाया, और एट द टाइम ऑफ योर रिटर्न जो है ये चीज़ जो है, मैंने भी बहुत सारे लोगों ने बताई और पिक्चर्स वीडियोस भी, और मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को देखा। मेरे पास चंद साल पहले सिमिलर इशू था, गलबन वो यही चीज़ होगी, और मैंने उसको फिर, तब हमें भी नहीं पता था, आज से 3-4 साल पहले बहुत कम था, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें जो लोगों की पिक्चर्स हैं, उसमें बर्ड की जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं नियर टू सेल्फ, और छोटे बच्चे, और बॉडी पे वो जो आप हेमरेज कह रहे हैं उससे निशान भी पर्पलिश पड़े होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। जी जी, हेमरेजिक स्पॉट आते हैं इसमें, आप देखेंगे 2 to 15 days में इसकी ज़्यादातर मोर्टेलिटी होती है, इवन के 100% तक मोर्टेलिटी। बिल्कुल, सारे बर्ड आपके मर जाएंगे।
2 to 15 days. लेकिन बच्चे, ये हम जी इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जी जी ठीक, बच्चे मरते हैं, बिल्कुल, चिक्स, जो चिक्स, बड़े बर्ड हैं वो कैरियर होते हैं लेकिन वो सर्वाइव कर जाते हैं, वायरस की शेडिंग करते हैं। अब ये देखें कि आपका बर्ड है, आपके बर्ड में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके 10 से 14 दिनों के बाद आपके पास क्लिनिकल साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे, ये पोलियोमा, पोलियोमा के बर्ड में। अब होता क्या उसमें, या तो बर्ड आपको नजर आएगा डल, डिप्रेस, एनोरेक्सिक, मतलब बर्ड खा पी कुछ नहीं रहा, और जो जो बच्चा, जो बच्चा है, बच्चा नहीं खा पी रहा, उसमें उसके जो मेन चीज़ देखी गई है ना, डिलेड क्रोप एम्प्टिंग, कि उसकी जो क्रोप है ना, उसकी जो उसका हम पोटा कहते हैं आम अल्फाज में, वो उसका हर वक्त फिल्ड रहता है लेकिन वो एम्प्टी नहीं होता, डिहाइड्रेट हो जाता है, उसकी प्रॉपर क्रोप की रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपरली फीड डाइजेस्ट नहीं हो रही। और इसमें जो अल्टीमेट लीडिंग काज है ना डेथ की, जो बच्चा आपका मर रहा है वो क्यों मर रहा है, उसकी लीडिंग काज जो है वो है डायरिया। डायरिया में होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बच्चा मर रहा है, तो आपको यहाँ पे रिहाइड्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंडली जो आप देखते हैं सबक्यूटेनियस हैमरेज आते हैं, ठीक है, आपको स्पॉट नज़र आते हैं ब्लड के, उसके लिए बॉडी के ऊपर उसके, तो आपको उसके लिए विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन के ड्रॉप्स जो हैं वो हेल्पफुल। अच्छा डॉक्टर, कुछ लोगों ने पिक्चर शेयर की उन बर्ड्स के बच्चों के जो पिन फेदर आ रहे थे, वो उनकी वो ब्लडी थे, उनके अंदर ब्लड था जी, वो भी कैसी का सिम्टम? नहीं, वो पोलियोमा नहीं है, दिस इज अ पीबीएफटी, जिसका मैं आपको पहले नाम दे रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, ये दोनों ही दोनों कंफ्यूजिंग है। देखें, आज से पहले कभी नहीं आपने यहाँ पे सुना, अब लोगों को भी मसले आने शुरू हो गए हैं। पीबीएफटी को मैं आपको बाद में बताता हूँ, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। तो आप जब इसको देखते हैं बर्ड में, एक तो हेमरेज नज़र आता है, उसकी एम्प्टिंग जो है क्रॉप की वो स्लो हो जाती है, क्रॉप की प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रही, फिर बर्ड के अंदर पैरालिसिस में फालिश हो जाना बर्ड को, और सेकेंडली उसमें आपको ट्रिमर्स, मतलब उसमें बर्ड को झटके लगते हैं। अच्छा, ठीक है, इनवॉलंटरी उसकी जो है कोऑर्डिनेशन, अपनी उसकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती, और उसमें आप देखेंगे कि 12 से 14 दिनों के अंदर, कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स की और पूछा कि हम डॉक्टर साहब बर्ड बच्चे देखते हैं कि बिल्कुल निढाल सा बच्चा हुआ होता है और ऐसे बेजान सा लड़खड़ा सा रहा होता है, वो बच्चा भी आपका पोलियोमा की वजह से एक्सपायर होता है। करना क्या है? ये आपने सिम्टम्स तो बता दिए, जी जी ठीक है, कि डायरिया, जो उसका क्रॉप है वो खाली नहीं हो रहा, दाना सख्त सख्त हार्ड फील हो रहा है, उसकी बॉडी पे वो निशान आ गए, ठीक हो गया, स्लो हो गया, अच्छा ये भी फील किया कि बॉडी भी गर्म हुई होती है जैसे टेंपरेचर, जी जी बिल्कुल, अब पता चल गया कि मसला आ गया, अब करना क्या? अब देखें, इसमें दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया कि वायरसेस हैज़ नो ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसमें आपको कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या सपोर्टिव थेरेपी है, वो आपने करनी है। तो उसमें आपने एक सबसे पहले तो बर्ड को क्वारंटाइन करना है, जहाँ जहाँ पे आपको ये मसला आता है नज़र, नहीं वो तो बच्चे एवरी के अंदर अब आ गया हमारी एवरी में, अब हम उसको निकाल तो सकते हैं जी, अब तो वो पूरी एवरी में फैल गया, आप हमारे साथ यही हुआ, हमारे ब्रीडिंग बॉक्सेस उतार देने हैं फौरन से वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे मसला आएगा, ठीक है, क्योंकि वो चेन वहाँ पे नहीं, ब्रीडिंग रोक, सबसे पहले ब्रीडिंग रोक देने, सबसे पहले आपने अपने ब्रीडिंग बॉक्स उतारने हैं, ब्रीडिंग रोकनी है, उसके बाद उन बच्चों को आपने उठा लेना है पेरेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं जिससे वायरस स्प्रेड कर रहा है ट्रांसमिशन के अंदर, एक है क्रॉप मिल्क जो माँ मदर ने खाना खाया और उसने बच्चे को खिलाना है, सेकेंडली है ड्रॉपिंग्स, ठीक है, बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स ट्रेस के अंदर आती हैं और वो कंटेमिनेट करती हैं आपके दाने के पॉट्स और पानी के पॉट्स को, ठीक, और तीसरी चीज़ जो है फीदर डस्ट, ये तीनों तरह से ट्रांसमिट ट्रांसमिशन, और चौथी वही माइट्स ही, माइट्स का तो सबसे ज्यादा रोल है ना, माइट्स का बहुत बड़ा रोल है इसको फैलाने में, जी बिल्कुल, क्योंकि माइट्स ब्लड को सक करती हैं, जब माइट्स ने किसी एक पॉजिटिव कैरियर बर्ड को बाइट किया है आगे जाके जहाँ जहाँ बाइट करेगी वो मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें पोलियोमा के अंदर आपका बर्ड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, जो बड़ा बर्ड है, बड़ा बर्ड है वो, बज़ाहिर आपको हेल्दी नज़र आ रहा है लेकिन वो कैरियर है। अब डॉक्टर साहब, ब्रीडिंग बॉक्सेस उतार दिए, ब्रीडिंग रोक दी, हमें पता चल गया बड़ा बर्ड कैरियर है लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा, बच्चा जो है वो मर रहा है और इनएविटेबल डेथ है, मरता ही मरता है, मरता ही मरता है। अब बच्चों को उठा के क्या ब्रूडर में डाल के हैंड फीड करानी है, उनको मेडिसिन देनी है? जी देखिए, सपोर्टिव क्या करना? सपोर्टिव करना, आपने अपनी ब्रीड को बचाना जितना मैक्सिमम चाहते हैं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे लोगों की ब्रीड बचाई है, और आप कह लेंगे अगर आपके पास 50 चिक्स आपने उठाए हैं तो उसमें से मैक्सिमम 8 से 10 बच्चे मरेंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सर्वाइव हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपने चूज़ करनी है एक हैंड फीड, ऐसी हैंड फीड जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। वो कौन सी है वो भी बताएं। मार्केट के अंदर ट्रॉपिकन के नाम पे एक हैंड फीड आ रही है, ट्रॉपिकन एक न्यूट्रीविट के नाम पे ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है,
तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकन की डाइजेशन बहुत अपना अच्छी है, फास्ट डाइजेशन है, इस तरह की हैंड फीड्स आपने यूज़ की। और बच्चे अब आपने उठा लिए और ब्रूडर में डाल दिए? जी, बच्चे आपने उठा लिए, आपने उन बच्चों को हैंड रेज करना है, ब्रूडर में रखना है। उसके बाद जो आपने उसकी हैंड फीड की फॉर्मुलेशन करनी है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि जो उसकी क्रॉपिंग ना रेगुलेट हो रही है उसको आपने रेगुलेट करना है, और मल्टीपल टाइम फीड करवानी है, और तब तक फीड नहीं देनी उस बच्चे को जब तक वो अपनी पिछली फीड डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी क्रॉप रेगुलेट नहीं है। जब तक उसकी क्रॉप में दाना पड़ा है, फीड पड़ी है, आप अगली फीड देंगे वो फौरन एक्सपायर हो जाएगा। एक हेल्दी बर्ड तो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन वो नहीं करेगा। तो उसकी जो आप हैंड फीड तैयार करेंगे उसमें आप एक चौरका डालेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने चौरका जी, ये हमदर्द वालों का भी आता है, कर्छी वालों का भी आता है, आपको स्टोर से मिल जाएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसको आप यूज़ करें। फिर कॉलिक ड्रॉप्स आते हैं, वो आप यूज़ करें, जो बच्चों को भी, बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा आप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्पार्क जो है, स्पार्क के यूज़ कर सकते हैं ब्लड को रिहाइड्रेट करने के लिए। कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ एंटीबायोटिक्स में हमें करनी चाहिए? कुछ भी नहीं यूज़ करना, एंटीबायोटिक भी नहीं जाना, क्योंकि आपने जस्ट एक अपने बर्ड को सपोर्ट करनी है। हमने बेसिकली उसकी फीड जो सिस्टम डाइजेशन को चलाना है, हमने असल चीज ये है। ये अगर आपके जेहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया है ना, अब अपने बच्चे सर्वाइव करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे एक दोस्त के पास आया और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, और जो आप मुझे बता रहे हैं उन्होंने भी यही मुझे फीडबैक दिया कि वो बच्चे बच गए थे, बच गए थे, और ब्रीडिंग उन्होंने रोक दी थी। और बच्चे ये बताएं कि ऐसा बच्चा जो अफेक्टेड है वो क्या अगले सीजन ब्रीड के काबिल होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ब्रीड के काबिल होगा। आपने जब बॉक्सेस उतारने हैं और उस बर्ड को छोड़ देना, इसकी शेडिंग है वायरस की, शेडिंग थ्रू ड्रॉपिंग्स होगी, ड्रॉपिंग आपकी ट्रेस पे आती हैं, आप अपने उसकी ट्रेस को प्रॉपरली वॉश करवाते रहें और डिसइंफेक्शन करते रहें विल्कोनस की अपनी एवरी के अंदर, एटलीस्ट वंस वीक, एक हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करें विल्कोन की अच्छी तरह ड्रॉपिंग, उसकी आप स्प्रे करें, डिसइंफेक्शन करें विल्कोन से। और इसकी शेडिंग जो है ना वायरस की, वो देखा गया है कि 3 to 6 months के अंदर नेगेटिव हो जाता है आपका बर्ड, यानी कि आपकी एवरी से ये वायरस 3 to 6 months में ये जो है बिल्कुल आपका बर्ड वो जीरो हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग परेशान हुए कि अब ये वायरस आ गया तो उनको वो डर गए थे, वो कहने लगे कि अभी आ गया अब तो हमारी सारी एवरी गई, यानी कि दे वर एक्चुअली थिंकिंग टू कल देयर बर्ड्स के सब खत्म करो और नया शेड बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ना करे अगर आपके पास ये इशू आ जाता है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बच्चों को ट्रीट करने का तरीका भी बता दिया, सिम्पटम भी बता दिए, और 3 to 6 months में वो वायरस आपके शेड से और आपके बर्ड से खुद ही खत्म हो जाए। जी, और आपने ब्रीड नहीं लेनी, ब्रीड नहीं लेनी, असल चीज़ ये है। अगर आपने ब्रीड पे लगा दिया बर्ड को तो फिर तो वायरस आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगले साल आपको ब्रीडिंग सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस बचने की कोशिश करनी है पहले ही कि ना आए, और अगर आ गई है तो इंशाल्लाह इस तरह बच जाएंगे। और सब ये तो पोलियोमा का आपने जबरदस्त आ दिया, जो एक और आप सेकंड वायरल जो चैलेंज आजकल लोगों को आ रहा है, बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहा है, एक नई चीज़ देखने में मिल रही है उनको, उनके लिए नहीं है, तो बींग अवेट, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि उसमें ब्लडी शाफ्ट आते हैं, ठीक है। ये एक सिरको वायरस है, वो कास करते हैं PBFT, सीटासिन बी कैन फीदर डिजीज, ठीक है। ये बच्चों में भी देखा जाता है, और इवन के 3 years तक के बड़े बर्ड्स में, बड़े बर्ड्स में जिसमें आपकी इलेक्टस है, आपके मकॉ अच्छा, हैं, ग्रे पैरट्स हैं, उनके अंदर भी जो है और लव बर्ड के अंदर भी है। और इसमें ये है कि ये क्योंकि वायरस की वजह से हो रहा है, सेम उसी तरह इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे डॉक्टर? हाँ, सिम्टम्स इसके, इसके अंदर जो है ना फीडर्स का इशू आता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। फीडर लॉस होते हैं, आपके जो फीडर के फोलिकल्स हैं, स्मॉल साइज फीडर फोलिकल्स बर्ड्स के, इनके वो छोटे छोटे देखने में बर्ड कैसा लगेगा, उसके पर उतरे होंगे, पर उतरे होंगे, स्मॉल फीडर्स, पिन फीडर स्मॉल साइज के होंगे, या क्लब्ड फीडर्स होंगे, या बड़े शार्प से फीडर्स होंगे, ठीक है। और जो मेजर चीज़ है ना, आप जब उसके विंग को खोलेंगे तो आपको उसकी जो शाफ्ट है ना फोलिकल की, हेयर फोलिकल की, उसमें ब्लड फील्ड नजर आएगा, जो ब्लड नजर आएगा उसके अंदर, जो उसके बड़े वाले उसके अंदर आपको ब्लड नजर आए, ब्लड नजर आएगा। और ये बच्चों में ज्यादातर नजर आता है, ये भी के बड़ों, बड़े बच्चों में, जैसा कि लोग यहाँ पे हमें शेयर कर रहे हैं, मुझे वीडियोस भेजते हैं, तो बच्चों में नजर आ रहा है, लोगों की ब्रीड ज़ाया हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही है। और इसकी भी ट्रांसमिशन सेम उसी तरह ही है, जैसे थ्री वेज मैंने उसके बताए कि आपने अपनी फीडर डस्ट को कंट्रोल करना है, सेकंड जो आपकी ड्रॉपिंग्स है, और थर्ड क्रॉप मिल्क के थ्रू। अब डॉक्टर इसमें बेसिकली हमने फेदर से देखा, उनकी बर्ड के फेदर शाफ्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, उधर से पता चलेगा। और इसके अलावा कोई और ऐसा सिम्टम? और इसके अलावा ये देखा गया है कि ये सिम्टम्स यही हैं, इसके मेन जो सिम्टम मैंने आपको बताया, उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग इसलिए है कि इसका जो वायरस है ना
वो आपके आउटसाइड द होस्ट भी सर्वाइव करता है, इवन कि आपके बर्ड रूम में वो सर्वाइव करेगा फॉर ईयर्स। ये बड़ी खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात है कि होस्ट मीन्स के को बॉडी चाहिए, को बर्ड चाहिए ना जो कैरियर हो, उसमें वो अपने कैरियर के बगैर भी आपकी एवरी के अंदर, आपके एवरी के अंदर आउटसाइड द होस्ट मोस्टली वायरसेस सर्वाइव, उन्हें उनके फ्लोरिशिंग के लिए स्प्रेड के लिए उनको उनका होस्ट चाहिए, होस्ट बर्ड है। तो ये आपके बर्ड रूम के अंदर भी फॉर ईयर्स सर्वाइव करता है। अब इस सूरत में हमें क्या करना है, अब ये आ गया लाला और डिसइंफेक्शन जो है ना, इसको डिसइंफेक्शन भी इसको क्लीनिंग करती है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। तो आप कोशिश क्या करें, अब आप इसमें ये है कि अगर जहाँ पे मसला आया वहाँ पे आप सेम उसी तरह ही बॉक्सेस उसके उतार। अच्छा, पहली चीज फिर मैं वही आता हूँ जो ऐसे डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, बर्ड की बाइंग सही जगह से करें, बिल्कुल ठीक है, अच्छे ब्रीडर से करें, नंबर वन। फिर क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, बिल्कुल। मैं दोबारा इसलिए बात की, बिल्कुल। अब आप बताएंगे आप अल्लाह ना करे आगे आप क्या करें। अच्छा, अब आपने देखिए जहाँ पे मसला आया है ना, सबसे जो मेन चीज़ है डिसइंफेक्शन जो है इसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि विकोन एस जो है आप देखेंगे उसके 61 स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस जो है ना उसको वो किल करता है, 33 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है, 6 स्ट्रेन्स ऑफ आपके फंजाई जो है इसको वो डील करता है। तो वायरोसाइडल भी है, वायरोस्टैटिक भी है, फिर हमारी वही ऑप्शन है क्योंकि आपका जो विकोन एस है ये इवन इफेक्टिव फॉर कोविड वायरस, मतलब इतना इफेक्टिव है ये, तो आप वही डिसइंफेक्शन करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो इसमें जो एडिशनल चीज़ है ना, वो आपने जब उसके ब्रीडिंग बॉक्स उतार दिए तो आपने उनके नेस्ट बॉक्स को अंदर से इंसिनरेट करना है, उसकी नेस्टिंग को इंसिनरेट करें, मींस उसको बर्न करना है आपने, या चेंज उसको बर्न करना है, या चेंज करेंगे, चेंज करने के बावजूद उसका वायरस वहाँ पर रिजाइड करेगा, आपने उसको बर्न करना है लाइट फ्लेम से। बर्निंग से बहुत सारे वायरसेस किल हो जाते हैं, कि हम पोल्ट्री के अंदर भी करते हैं, तो बर्निंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर धो के धूप में रख दें शदीद गर्मी में, तो बर्निंग के साथ ही अगर आप कपल करेंगे, कपल करके उसको भी साथ कपल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ठीक है, ये कर लिया। अब अच्छा, अब अगली चीज़ जो है उसमें जहाँ पे आपको ये बर्ड नज़र आता है पीबीएमटी का, उसको आपने यूथनाइज करना है, पेनफुल डेथ यूथनाइज कहा जाता है कि पेनफुल डेथ, ठीक है, उस बर्ड को आपको कल करना पड़ेगा, यानी कि वो अब आप रख नहीं सकते, रख नहीं सकते, उस बर्ड को कल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट जिस बर्ड, जैसे पोलियोमा में तो हमने हैंड फीड करा लिया है, हैंड फीड करवा लिया, इसमें भी सेम उसी तरह ही स्पोर्टिव कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, स्पोर्टिव हम उसी तरह ही करेंगे, वो हमारा राइट है, हम करें बर्ड को सपोर्ट करने के लिए। इसमें भी बर्ड बच जाते हैं, बच जाते हैं बर्ड, इसमें भी मैंने देखा है कि बर्ड बचते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी लोगों के बर्ड बचते हैं। सेम वही काम करना है जो पोलियो डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर इसका शेडिंग टाइम कितनी देर में बॉडी से टोटली एक्सपेल हो जाता है, ये आपकी एवरी से जा सकता है इतनी एफर्ट के बाद, वो क्या है, नेचुरली जाता तो है ना। मैंने बताया कि ये आपका बॉडी से ड्रॉपिंग के थ्रू तो चलो वो तो चलता है, लेकिन जो आपकी एवरी के अंदर मौजूद है वहाँ पे किल करना बड़ा मुश्किल है। इस पर रिसर्च अभी कंटिन्यू है, तो ये बड़ा ही कह लें कि इसका जो वायरस है बहुत ही रेजिस्टेंट, जल्दी जो है ख़त्म नहीं होता। अगले साल ब्रीडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आती अगर ये वायरस जो है, अगले साल में ख़त्म हो जाएगा फिर एवरी से खुद ही, ऐसा कुछ इसमें यह है कि मैंने देखा है कि लोगों के कुछ लोगों के ना चिक्स सर्वाइव किए हैं, अगले साल उनको मसला नहीं आया, उन्होंने ब्रीड ली है और उनके पास मसला नहीं आया। इट मींस कि ये भी आफ्टर सम टाइम पीरियड ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये निकलता है शेडिंग उसकी। देखिए जी, अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है, अगर कोई चीज़ आती है तो वो एक लाइफ साइकिल उसका है, उसके बाद वो निकल जाती है। दो के इट्स वेरी डिवास्टेटिंग, मुझे ज़्यादा इससे डर लगा पोलियोमा के नस्बत, खतरनाक, लेकिन स्टिल देयर इज अ होप, ये भी नेचुरली निकलता है, आपने बर्ड को सपोर्ट करना है उसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, तो इंशाल्लाह इससे भी बच जाएंगे और आपको ब्रीडिंग सीजन में इसके ट्रीटमेंट जो है आप पूछ रहे थे, ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एक्चुअली वायरस करता क्या है, वायरसेस खुद कुछ भी नहीं करते, वो वायरस बर्ड की इम्यूनिटी को डाउन करता है। ओके, इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं ये सारे वायरस, बर्ड की इम्यूनिटी को डाउन करेंगे। तो जब बर्ड की आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बर्ड को आएंगे, सेकेंडरी बैक्टीरियल पैथोजन जो हैं आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो ही उनको बर्ड के अंदर इम्यूनिटी डाउन मिलेगी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो जाके अटैक करेंगे और बर्ड्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये भी बड़े अच्छे आपने दोनों ही डिटेल में बता दिया और सोल्यूशन भी दे दिया, अगेन वही उसी तरह हैंड फीड होगी, वही सब कुछ जो पहले था।